गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9th, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आइडेंटिटी से रिलेटेड करेंगे, जिसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? तो मैंने फर्स्ट करवाई थी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। किसके इक्वल होता है ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। सेकेंड थी a माइनस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल में a माइनस बी का होल स्केयर लिख सकते हैं इसे। और क्या होती है ये आइडेंटिटी? a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये प्लस वाली है। और a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हो तो ये किसके इक्वल होता है? a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। एंड लास्ट फोर्थ होती है एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी इक्वल में एक्स का स्केयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फोर आइडेंटिटी का यूज़ होगा आज इस एक्सरसाइज में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी जब इंट्रो करवाया था 9 चैप्टर का, वहाँ पे भी आपको ये आइडेंटिटीज़ करवाई थी। अब देखो क्वेश्चन कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फ्लोविंग प्रोडक्ट। हमें क्या करनी है? जो प्रोडक्ट करनी है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करनी है उसमें, मतलब आइडेंटिटी लगा के प्रोडक्ट करनी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस थ्री इंटू में एक्स प्लस थ्री। अब देखो एक्स और एक्स सेम, थ्री और थ्री सेम, दोनों में ही प्लस का साइन, तो फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम? एक्स प्लस थ्री का होल स्केयर किसके इक्वल होता है? ए का स्केयर, तो एक्स का स्केयर। ए हमारा यहाँ पे क्या है? एक्स है, और बी क्या है हमारा यहाँ पे? थ्री। तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, बी हमारा थ्री है तो थ्री का स्केयर प्लस टू ए। ए क्या दे रखा है? x, एंड b क्या दिया हुआ है? 3। यहाँ सामने लिखना है हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये क्या बन गया, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, प्लस में 2 3 6, और साथ में क्या है? एक्स है। तो फर्स्ट पार्ट में ये आइडेंटिटी यूज हुई। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। थर्ड पार्ट क्या है? 2a-7 इंटू में 2a-7। अब देखो ये फर्स्ट वाला भी सेम है 2a 2a, और ये 7 और 7 भी सेम है, दोनों में किस चीज़ का साइन है? माइनस का। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या हो गया यहाँ पे हमारा 2a, एंड b की वैल्यू क्या है आपकी? 7। अब इसमें लगाएं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो a 2a, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू क्या है? 2a इंटू b, b की वैल्यू क्या है? 7। यह सामने लगा देना कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड माइनस 2ab। अब क्या बन गया? 2a का स्क्वायर, 2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a मल्टीप्लाई 2a, तो कितना बन जाएगा? 2 2 4, a और a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे? 4a का स्क्वायर प्लस में 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 माइनस 2 2 4, 4 7 28, और साथ में क्या है आपका? a दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा पार्ट है, जैसे फोर्थ पार्ट दे रखा है 3a-1/2 इंटू में 3a-1/2। बाय में आ गया, लेकिन वही सेम है फर्स्ट वाला सेम, 3a 3a, तो a क्या हो गया यहाँ पे? 3a हो गया, एंड b क्या है? 1/2, दोनों में ही माइनस है तो इसे लिख सकते हैं 3a-1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी लगेगी? a का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है हमारा?
3a एंड b क्या दिया हुआ है 1/2। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या बनेगा ये 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3 को 1 से किया 3 और साथ में क्या है आपका a दे रखा है। इसके बाद आपका अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिक्स पार्ट है ये आपका, इनटू में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो दोनों ही प्लस में, आगे पीछे लिख दें, और ये बी स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है ए स्क्वायर, इसका फर्स्ट वाला सेम है और सेकंड वाला भी सेम है, बट एक में प्लस है और एक में किस चीज़ का साइन है माइनस का, तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो तो हमें बी स्क्वायर दे रखा है और जो बी है वो हमारा ए स्क्वायर है, बट आइडेंटिटी कौन सी लग रही है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, थर्ड वाली क्या होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा बी स्क्वायर, उसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा ए स्क्वायर, उसका भी क्या करना है स्क्वायर, सामने लिख देंगे आइडेंटिटी कौन सी लगाई है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू थी बी स्क्वायर उसका भी क्या करना था स्क्वायर करना था, और यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू ए स्क्वायर है उसका भी क्या करना था स्क्वायर। अब जब पावर की पावर आ जाती है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, बी स्क्वायर की पावर भी 2, तो 2 जा क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर की पावर 2 तो ए की क्या बन गया 4 बन गया, तो क्या आंसर आ गया आपका यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी की 4 माइनस ए की 4। नेक्स्ट है अब आपका आगे एक 9th पार्ट करवा रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का ही, दोनों ही बाय में दे रखे हैं, एक्स बाय 2 प्लस 3y बाय 4 इंटू में एक्स बाय 2 प्लस 3y बाय 4 ये दे रखा है आपको। अब देखो ये फर्स्ट वाला भी सेम है और सेकंड वाला भी सेम है, दोनों में ही प्लस का साइन है, तो मतलब a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या होगी एक्स वाई टू और b की वैल्यू क्या है 3y/4। आइडेंटिटी कौन सी लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है a का स्क्वायर, a क्या है हमारा एक्स बाय टू तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 3y/4 का होल स्क्वायर प्लस 2a, ए की वैल्यू एक्स बाय टू इंटू बी, बी की वैल्यू 3y/4, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ प्लस में ही है सब कुछ, ऊपर देखो क्या रह गया 3 रह गया और साथ में एक्स वाई और अपॉन में 4, समझ आया ना किस टाइप से करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको इस आइडेंटिटी का बोल रखा है यूज़ करना है एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी इक्वल में एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस 7। अब देखो जब ये फोर्थ आइडेंटिटी लगती है इसकी क्या पहचान होती है, फर्स्ट वाला तो सेम होता है बट सेकंड वाले दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे हमारा x तो x ही है, a की वैल्यू 3 दे रखी है और b की वैल्यू 7 दे रखी है, आइडेंटिटी कौन सी लगानी है हमें x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल में x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, यहाँ वैल्यू पुट करो x x है a हमारा 3 है x x है और b हमारा 7 है, x की वैल्यू x तो x का स्क्वायर प्लस a, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 7 इंटू में x की जगह x ही है हमारा प्लस a, a की वैल्यू 3 एंड इंटू में b कितना है 7, करो सोल्व, इसको तो हमें सोल्व करके निकालना ही है, x स्क्वायर 3 और 7 10 साथ में क्या है x, ये मल्टीप्लाई होगा 3 7 21। नेक्स्ट पार्ट है 4x
प्लस 5 इंटू में 4x प्लस 1। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला सेम है, बीच में प्लस है और लास्ट वाले दोनों अलग हैं, तो मतलब यही फोर्थ आइडेंटिटी लगेगी। जो यहाँ पे x दे रखा है वो तो 4x है और a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 1 है। अब लगाओ यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, x प्लस a इंटू में x प्लस b इक्वल में x का स्केयर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। करो यहाँ पे वैल्यू पुट, x क्या है हमारा 4x, उसका क्या करना है होल स्केयर, प्लस a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 1 इंटू में x हमें कितना दिया हुआ है 4x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x प्लस में a, a की वैल्यू क्या है हमारी 5 एंड इंटू b की वैल्यू क्या दी हुई है 1। करें यहाँ पे सोल्व, 4 का स्केयर 16, x का स्केयर x स्केयर प्लस 5 और 1 6 और इंटू में क्या है 4x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, क्या रह गया यहाँ पे 16x का स्क्वायर प्लस 6 4 24, साथ में x एंड प्लस 5, तो क्या आंसर आ गया 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ आपको फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है 4x प्लस 5 इंटू में 4x माइनस 1। अब यहाँ फर्स्ट वाला सेम है तो x तो क्या हो गया यहाँ पे 4x, a की वैल्यू 5 बट b की वैल्यू माइनस 1। b की वैल्यू माइनस 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं फोर्थ, वहाँ पे b भी प्लस का है और a भी प्लस का है, अगर इनके साथ माइनस आता है तो आप उसको a और b की वैल्यू में ही काउंट करोगे। ठीक है, आइडेंटिटी लगानी है हमें फोर्थ वाली, x प्लस a इंटू x प्लस b किसके इक्वल होता है, ये x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4x, उसका क्या करना है होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस 1 इंटू x, x हमें कितना दे रखा है 4x, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4x प्लस a 5 एंड b माइनस 1। क्या रह गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 में से बन गया 4 और इंटू में 4x प्लस माइनस माइनस 5 वन जा 5, तो 16x स्क्वायर प्लस 4 जा 16 और साथ में x माइनस के 5। इसके बाद कर रहे हैं हम नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में क्या है सेकंड क्वेश्चन के, एक्स वाई जेड माइनस के 4 एक्स वाई जेड माइनस के 2। इसमें भी देखो फर्स्ट वाला सेम है, मतलब ये एक्स एक्स दे रखा है और ये ए और बी अलग अलग है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या दी हुई है हमें एक्स वाई जेड एंड ए कितना दे रखा है माइनस का 4। मैंने बताया था ना प्लस में आइडेंटिटी है, अगर नेगेटिव आता है ए के आगे और बी के आगे वो दोनों माइनस साथ में लेने हैं, और बी की वैल्यू माइनस का 2। एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, यही लगा रहे हैं हम फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है एक्स वाई जेड, इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 4 एंड बी की वैल्यू माइनस 2 इंटू में एक्स क्या दिया हुआ है हमें एक्स वाई जेड प्लस ए हमारा माइनस 4 एंड बी की वैल्यू माइनस का 2। करो अब यहाँ पे सोल्व, एक्स का भी स्केयर करना है वाई का भी जेड का भी, तो क्या बनेगा एक्स का स्केयर वाई का स्केयर जेड का स्केयर। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 और माइनस 2 कितना बन जाएगा माइनस का 6 और इंटू में क्या है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है और साइन भी प्लस का ही आता है, लेकिन प्लस या माइनस में माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन जो बड़ी वैल्यू होती है साइन हमेशा उसी का लगता है, तो 4 2 यहाँ पे क्या बन गया 8 बन गया। क्या रह गया यहाँ पे एक्स का स्केयर वाई का स्केयर जेड का स्केयर प्लस माइनस माइनस और 6xyz एंड प्लस में 8। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में स्केयर निकालना है और यूजिंग आइडेंटिटी, और सभी आइडेंटिटी ये मोस्ट ऑफ स्केयर वाली ही हैं। क्या दे रखा है फर्स्ट हमें b माइनस 7 का होल स्केयर, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे a माइनस b का होल स्केयर, क्या होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab।
ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी, एंड बी की वैल्यू क्या है सेवन। अब मैंने माइनस साथ में क्यों नहीं लिया, क्योंकि आइडेंटिटी भी किसकी लगी है माइनस वाली लगी है, फिर आप माइनस साथ में नहीं लोगे। यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी लगा रहे थे प्लस की लगा रहे थे, और वैल्यू वहाँ स्टेटमेंट में माइनस भी आ रहा था, इसलिए हमें ए और बी माइनस का लेना पड़ा। अब यहाँ पे ए क्या है हमारा बी, बी का स्क्वायर, और बी की वैल्यू सेवन, तो सेवन का स्क्वायर माइनस टू ए, ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है बी, एंड बी की वैल्यू सेवन, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर 49, सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू सेवन जा 14, और साथ में बी। नेक्स्ट पार्ट है आपका 6x² माइनस 5y का होल स्क्वायर, इसमें भी वही सेम आइडेंटिटी है, यहाँ पे a हमारा 6x² और b की वैल्यू 5y, लगेगी कौन सी आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू पुट करो 6x² a ही है, उसका भी क्या करना है हमें स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू 5y और उसका क्या कर देना है स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू 6x² एंड b की वैल्यू 5y। अब करो इसे सोल्व, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, x की पावर पहले से 2 है उसकी भी और पावर 2 करनी है, तो x की पावर क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी, प्लस में 5 का स्क्वायर 25 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे पहले इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दो, 26 जा 12, 12 को 5 से करोगे 60, और साथ में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर और y। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है 0.4p माइनस में 0.5q, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या होगी 0.4p एंड b की वैल्यू 0.5q, लगाओ आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, वैल्यू पुट करें a की वैल्यू 0.4p का होल स्क्वायर करना है, प्लस b की वैल्यू 0.5q और उसका क्या करना है होल स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है हमारा 0.4p एंड b क्या है 0.5q, करो यहाँ मल्टीप्लाई, जब भी मैंने बोला था डेसिमल में आए पॉइंट में आए तो पहले विदाउट पॉइंट मल्टीप्लाई कर लो। अब 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 4 16, कितनी डिजिट के आगे डेसिमल है पॉइंट है 1 और 1 2 डिजिट के आगे, तो पीछे से काउंट करके लगा देना है 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो इसका सोल्व करके क्या आ गया 0.16, साथ में पी है तो पी का क्या बनेगा स्क्वायर, प्लस अगला क्या है 0.5 की मल्टीप्लाई करनी है 0.5 से, पहले 5 5 25, कितनी डिजिट के आगे पॉइंट है 1 और 1 2 डिजिट, तो पीछे से काउंट करो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 0.25 और साथ में क्यों का स्क्वायर क्यों स्क्वायर। अब यहाँ भी करो मल्टीप्लाई, 2 को 4 से किया 8, 8 को 5 से किया 40, बट कितनी डिजिट के आगे पॉइंट है एक डिजिट ये रही एक डिजिट ये रही, तो 2 डिजिट होगी, तो काउंट करो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और साथ में क्या है PQ, तो क्या आंसर आ गया 0.16p² प्लस 0.25q² माइनस 0.4pq, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद लास्ट में 0 आ जाए तो लिखो चला लिखो एक ही बात।